तो दोस्तों देख लीजिए, आपको भी एक एक क्वेश्चन होगा कि 12 मंथ बाद मेरा वॉच टाइम 0 हो जाएगा क्या? अगर आपने चैनल जनवरी 2020 को बनाया है, जनवरी 2021 को चैनल का वॉच टाइम 0 हो जाएगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वो आपको कैसे देखना है, कितना आपका वॉच टाइम माइनस होगा, क्या होगा, वो इस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, आपको सब मैं बताऊँगा डिटेल के साथ। तो देखिए, तो इधर मैंने देख लीजिए एक चार्ट सा बनाया है, जो मैंने 1 2 3 4 लिखा, ये मंथ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो इधर 12 मंथ, 12 मंथ के बाद ये 12 मंथ के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने चैनल अपना बनाया जनवरी को, जनवरी इधर से 1 से स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी, तो आपका फिर से अगले महीने जनवरी को चैनल चैनल का जो 1 12 मंथ पूरे हो जाएंगे, ठीक है। समझ लीजिए, आपके इधर 12 मंथ पूरे हो गए, तो इसके बाद आपका चैनल का जो वॉच टाइम है वो 0 होगा या नहीं, तो इसका मैं बता दूं नहीं होगा, वो समझ लीजिए कैसे। जैसे समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो अभी मैं इधर से ये 2 नंबर हटा देता हूँ, तो आपको फिर से इधर से स्टार्ट करना है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ 10 मंथ। तो इधर से फिर 12 मंथ हो रहे हैं इधर 2 तारीख को, दूसरे महीने अगले साल के, तभी मैं जैसे वो और 2 हटा देता हूँ, तो ये 4th मंथ को। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वॉच टाइम कितना है कितना नहीं है। तो भी मैं आपको क्रिएटर स्टूडियो में जाके दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं मैं क्रिएटर स्टूडियो में आ गया हूँ। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ जहाँ वॉच टाइम लिखा हुआ, इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, वॉच टाइम पे क्लिक करना, तो इधर आपको टोटल करना है लाइफ टाइम का। तो लाइफ टाइम पे आपको अपना टोटल दिखा देगा। तो अभी हमको कैसे चेक करना है 12 मंथ का, फिर से आपको लास्ट पे क्लिक करके इधर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, तो ये देख लीजिए इधर जो आप काउंट कर रहे हो ये सारे मंथ हैं, 12 मंथ तक इधर दिखाएगा, जितना भी आपका इतने महीने में वॉच टाइम बना होगा ना, वो आपका काउंट करके दिखाएगा। जैसे मैंने अपना चैनल जनवरी में बनाया था, और जनवरी और फरवरी का मेरा इधर से दिखा नहीं रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ 12 मंथ का काउंट होता है। जनवरी फरवरी के बाद आज मेरे चैनल बने को 1 साल और 1 महीना हो गया, शायद 1 2 महीने, तो उसके चलते इधर से 2 मंथ माइनस हो गए हैं। ये नहीं हुआ कि मेरा सारा का सारा ही वॉच टाइम उड़ा दिया गया है उन्होंने, ऐसा नहीं होता, बस आपका वो 12 मंथ के हिसाब से होता है। जैसे इधर मैंने जनवरी में बनाया, इधर जनवरी फरवरी, तो इधर तक मेरे 12 मंथ 14 मंथ हो गए, ठीक है। तो 14 मंथ जो पहले वाले 2 मंथ थे ना, वो आगे काउंट, पहले वाले 2 मंथ थे वो वाले इन्होंने माइनस कर दिए हैं, ठीक है, माइनस माइनस कर दिए, तो उसके आगे में जो 12 मंथ बनते हैं तो वो वाले दिखा रहा है। जैसे समझ लीजिए अभी फरवरी फरवरी चल रहा है, तो मार्च आएगा, जब मार्च आएगा तो मेरा ये वाला मार्च इधर से हट जाएगा, तो इधर से स्टार्टिंग होके जितना वॉच टाइम बनेगा वो मुझको दिखाएगा, ये जो मार्च में मेरा जितना वॉच टाइम है वो नहीं दिखाएगा। जैसे फिर अप्रैल आ जाता है, तो इधर से अप्रैल वाला कट जाएगा वॉच टाइम, तो मई से लेकर अप्रैल जो आएगा उधर तक मेरा वॉच टाइम दिखाएगा, जो भी आपका अप्रैल में होगा वो आपको वॉच टाइम नहीं दिखाएगा। आप समझ सकते हैं कि आपको आगे के 12 मंथ का ही दिखाएगा, ना ही ना कि आपका वॉच टाइम पूरा 0 करेगा यूट्यूब। तो गाइस इस तरीके से, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक जरूर करना, दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताना, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो लाइक जरूर करें।